आज की ताजा खबर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाकर ऐसे की खास खबर आप सबसे पहले सुनिए। यहाँ एक शख्स को 22 साल बाद थप्पड़ मारने की सजा सुनाई गई। सजा के तौर पर शख्स 1 महीने तक सरकारी हॉस्पिटल में सफाई करनी है। दरअसल 9 साल की उम्र में इसने अपने गांव के ही एक बच्चे को थप्पड़ मारा था। युवक का कहना है उसे याद नहीं कि किस बात विवाद हुआ था, लेकिन अब लग रहा है कि उस दिन बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मामला पुवान थाना क्षेत्र के सतवा गांव का है। साल 1995 में 9 साल की उम्र में हिमांशु का विवाद गांव के ही दूसरे बच्चे से हुआ था। इस दौरान हिमांशु ने बच्चे को थप्पड़ जड़ दिया था, फिर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। मामला थाने पहुंचा, तब हिमांशु के खिलाफ ACSTA एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। फिर होने के कई साल बाद उसके घर नोटिस पहुंचा, तब उसे पता चला कि उसके खिलाफ केस दर्ज हो गया है। मामला किशोर न्याय बोर्ड में पहुंचा। मामले की सुनवाई 22 साल चली। जुवेनाइल बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट के सामने हिमांशु ने थप्पड़ मारने का जुर्म कबूला। दोषी पाए जाने के बाद 23 दिसंबर 2017 को योग्यता अनुसार स्वास्थ्य सेवाएं देने की सजा सुनाई।